आज के डिस्कशन का टॉपिक है इंटरनेट। यह क्लास 12 का टॉपिक है। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है, पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब ऐसे लिखेंगे, आज कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट यानी विश्वव्यापी अंतरजाल पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। पत्रकारिता के अंतर्गत जो जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता कहते हैं। अन्य प्रश्न जो आ जाता है इंटरनेट के बारे में वो इस प्रकार है, इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर है, इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता यानी छापना, मुद्रण यानी टंकित करना, छापना, रेडियो पत्रकारिता, रेडियो के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाता है, या टीवी के द्वारा की गई पत्रकारिता, तीनों का संगम है। इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों का प्रयोग होता है। इसकी विशिष्ट योग्यता यह है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद संशोधित, संवर्धित या अपडेट होते रहते हैं। संशोधन और संवर्धन का मीनिंग है हर 2 घंटे के बाद इस पर जो समाचार आते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। ये इंटरनेट पत्रकारिता की खास बात है। पत्रकारिता जो है रेडियो की और मुद्रण की या टीवी की, मुद्रण में पत्र पत्रिकाएं और अखबार जो छापे जाते हैं वो आता है, रेडियो पत्रकारिता और टीवी पत्रकारिता में रेडियो और टीवी पर जो समाचार आते हैं वो सब आते हैं। लेकिन इन तीनों में अपडेट होने की जो है विशेषता संभव नहीं है और इंटरनेट पर हम ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं कि हर 2 घंटे में इंटरनेट पर समाचार जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं? उत्तर में आएगा, भारत में निम्नलिखित समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक। इसके अलावा कुछ राज्यों के समाचार पत्र भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। प्रश्न है, भारत की कौन सी नेट साइट भुगतान देकर देखी जा सकती है? उत्तर है, इंडिया टुडे। प्रश्न है, भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं? इनमें सबसे पहला है हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक और जी न्यूज़ में ये सुविधा है कि ये समय समय पर अपडेट होती रहती हैं। प्रश्न है, भारत की पहली कौन सी साइट है जो इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है? उत्तर है, रेडीफ। प्रश्न है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? उत्तर आएगा, tehlka.com ने। प्रश्न है, हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं? इसका जवाब है, अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट और सराय। ये सभी इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस थे जो क्लास 12th के पेपर में आ जाते हैं। इसके अलावा आप मेरे और वीडियोस भी देख सकते हैं जो क्लास 10 से रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने पत्रकारिता का वीडियो और भी वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके ये भी देख सकते हैं।